नमस्कार क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। असम के गुवाहाटी में लोगों से खचाखच एक नाव पलट गई। बताया जा रहा है कि इस नाव में 45 लोग सवार थे, जिसमें से कई लोग अभी भी ब्रह्मपुत्र नदी में लापता है। लहरों में गुम लोगों की तलाश में पिछले 100 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। NDRF, नौसेना, SDRF समेत कई टीमें लगी हुई हैं। ब्रह्मपुत्र की लहरों से अब तक 5 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। सोचें आप, 100 लोग सवार थे, 45 लोग सवार थे, 100 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और 5 शव निकाले जा चुके हैं। और एक बहुत तेज धारा वाली नदी ब्रह्मपुत्र, बाढ़ और बारिश का तांडव देश के हर हिस्से में जारी है। बिहार के कैमूर में लहरों के बीच फंसे एक युवक को गमछे से बनी रस्सियों की मदद से बचाया गया। वो पिकनिक मनाने गया हुआ था, लेकिन पहाड़ी नदी में एकाएक पानी आने से फंस गया। उफनता गरजता सैलाब, उसमें जिंदगी के लिए जूझता ये शख्स। पानी का बहाव इतना तेज है कि इंसान को तिनके की तरह बहा सकता है। गनीमत है कि उफनती गरजती लहरों के बीच इस बड़ी चट्टान का सहारा मिल गया। किनारों पर खड़े लोग दिमाग लगा रहे हैं कि इस इंसान को सैलाब से कैसे निकाला जाए। किनारों पर खड़े ज्यादातर लोगों के गले में गमछा है। ये तस्वीरें बिहार के कैमूर की हैं। माझार कुंड झरने पर पिकनिक मनाने गया ये युवक उफनती पहाड़ी नदी की लहरों में फंस गया। ऐसे में लोगों ने इसे सुरक्षित निकालने के लिए कई गमछों को मिलाकर बड़ी रस्सी बना दी। दूसरी ओर लोगों की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। अगले सेकंड क्या होगा किसी को अंदाजा नहीं। गमछों को मिलाकर बनाई गई लंबी रस्सी जैसे ही लहरों में फंसे युवक की ओर उछाली गई, उसने रस्सी लपक ली। लोगों ने किनारों पर तालियां बजाई। और देखते ही देखते नौजवान को उफनते गरजते सैलाब से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दरअसल कैमूर के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नाले और झरने फुफकार रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी। मंदिर का सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है, पूरा मंदिर जल समाधि ले चुका है। ये तस्वीरें उस बुंदेलखंड की हैं जो गर्मियों में पानी की बूंद बूंद के लिए तरसता है, अब पानी से त्राही त्राही कर रहा है। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं, जिससे आसपास के 100 गांव में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। दोनों नदियों में उफान से पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। हमीरपुर में भीषण बाढ़ की वजह सिर्फ मूसलाधार बारिश ही नहीं है। माता टीला बांध से छोड़े गए करीब 5 लाख क्यूसेक पानी से पूरे इलाके में पानी का कब्जा हो गया है। सिर्फ हमीरपुर ही नहीं, यूपी के 16 जिले भी भीषण बाढ़ का प्रकोप झेल रहे हैं। हमीरपुर से नाहिद अंसारी के साथ आज तक ब्यूरो। पहाड़ पर बाढ़ और बारिश की विनाश लीला जारी है। मूसलाधार बारिश कटार की तरह लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रही है। शिमला में मंगलवार को इतनी बारिश हुई कि नेशनल हाईवे का एक हिस्सा उफनते सैलाब में डूब गया। मूसलाधार बारिश से शहर में सैलाब गरजने लगा। कुछ देर की बारिश के बाद ही पहाड़ से पानी का दरिया खौफनाक तरीके से उफान मारने लगा। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की हैं, जहां नेशनल हाईवे नंबर 5 पर भट्टा कुफर के पास भूस्खलन से हाईवे बंद हो गया। बारिश से मलबे के साथ कीचड़ भी आने लगा, जिससे भारी भरकम ट्रक के पहिए मलबे में धंस गए। मूसलाधार बारिश से जगह जगह उफनती लहरें हाईवे पर गिरने लगी, जिससे जगह जगह जाम लग गया। हाईवे पर मलबा और सैलाब गिरने से ट्रक और बसों समेत गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। बारिश में बेहाल सड़क के इस हिस्से को देखकर आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि ये देश का एक नेशनल हाईवे है। चारों ओर कीचड़ ही कीचड़, मलबा ही मलबा, सैलाब ही सैलाब। पुल और पुलिया के ऊपर से भी गरजता उफनता पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब है।
शिमला में मंगलवार से ही तेज बारिश हो रही है। दरअसल इस अहम रास्ते का इस्तेमाल भारी गाड़ियों के लिए किया जाता है, क्योंकि भारी गाड़ियों के शहर से गुजरने पर रोक है। भूस्खलन की वजह से 12 घंटे बाद यह हाईवे बहाल हो पाया। इसके बाद जेसीबी की मदद से मलबे को हटाने का काम शुरू हुआ। मूसलाधार बारिश से शिमला ही नहीं, हिमाचल के ज्यादातर हिस्सों में आसमान से ऐसे ही प्रलय गिर रहा है। कुदरत के क्रोध से उत्तराखंड का हाल भी बेहाल है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी पहाड़ पर रहने वाले लोगों को मूसलाधार आफत से राहत के संकेत नहीं मिल रहे हैं। आज तक ब्यूरो। अब जरा देखें जापान की तैयारी किस कदर है। वाकई में काबिले तारीफ है ये देश। क्यों? क्योंकि जापान जेबी तूफान के जबड़े में फंसा हुआ है। जेबी तूफान ने जापान के कई शहरों में जमकर तबाही मचाई है। 25 साल बाद लौटी इस तबाही ने जापान में सुनामी के जख्मों को फिर से हरा कर दिया है। कहीं कारें डूबी हैं, कहीं जहाज डूबे हैं, मकानों की छतें तेज रफ्तार हवाओं से उड़ गई हैं। लेकिन उनका डिजास्टर मैनेजमेंट देखें, उनकी डिजास्टर प्रिपरेशन देखें। जेबी तूफान ने पूरे जापान को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन इंसानी जिंदगी का नुकसान बहुत कम हुआ है। देश भर के हजारों किसानों ने आज दिल्ली में डेरा डाल रखा है। पूर्ण कर्ज माफी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें और न्यूनतम मजदूरी बढ़ाते समेत कई मांगों के साथ इन किसानों ने सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का ऐलान कर दिया है। किसानों ने नारा दिया है, या तो अपनी नीति बदलो, नहीं तो हम सरकार बदल देंगे। मांगे न माने जाने की सूरत में किसानों ने नवंबर में दिल्ली घेर लेने की चेतावनी दी। कारवा किसानों का है, जत्था है उस जोम का जो जमीन को अपने पसीने से हमवार बनाती है। लेकर आए हैं हिम्मत की वो कुदालें जो कादों में रोपती हैं बिरवा तो आपके पेट भरने का बंदोबस्त होता है। वो खुरपियां जो खोद देते हैं पत्थर पठार बंजार कि मुलुक में भूखा न सोए कोई, दूध के लिए बच्चा न रोए कोई। ये कहने आए हैं जहां पनाह से कि हमको हमारा हिस्सा दो। केंद्र की मोदी सरकार को किसानों की ऐसी चेतावनी कभी नहीं मिली। दो टूक, सीधी, सपाट और सख्त कि नीति बदलो और नहीं तो हम सरकार बदल डालेंगे। मोदी सरकार को खत्म के हमारा जो बात आप करेंगे ये नारा और आप पहुंच जाएंगे। ये है ये नीतियों के खिलाफ, ये सरकारी नीतियों के खिलाफ मजदूर किसान बाकी सब हम एक साथ होके हमारा मांग है नीतियों को बदलो। भारत के किसान भारत की सरकार के खिलाफ भारत की राजधानी में बढ़ते चले आ रहे थे। कोई आया था औरंगाबाद से तो कोई अमरेली से, कोई दरभंगा से तो कोई दाहोद से, कोई आया था कोरमंगला से और कोई कन्याकुमारी से। अलग अलग धर्म, अलग अलग रंग, अलग अलग प्रदेश, अलग अलग बोली, लेकिन प्रतिरोध की आवाज एक, उस आवाज का रंग एक, एक सबकी आशा और एक उनकी भाषा, हमको हमारा हिस्सा दो। सरकार का जो एंटी पीपल पॉलिसी है, एंटी वर्कर पॉलिसी है, उसका खिलाफ में मिनिमम वेजेस, जो वर्कर लोगों का जो मिनिमम वेजेस है वो 18,000 रुपया होना चाहिए, हम लोग का ये मांग है। और किसान का खिलाफ में जो मोदी सरकार जो स्टेप ले रहा है उसका विरोध करते हुए आज हम ये जो मजदूर संघर्ष रैली में हम लोग शामिल हुए हैं। ये किसान सोए हुए जहाँ पनाह को जगाने आए हैं, बताने आए हैं कि बस आपके नारों पर हमारे नाचने के दिन बस, आपके वादों पर हमारे गाने के दिन बस, आपके दिलासों पर हमारे झूमने के दिन बस, अब तो हिसाब कीजिए और वो भी नहीं अधूरा, करिए पूरा का पूरा, हमको हमारा हिस्सा दो। नहीं, लोगों के अंदर ये आक्रोश है कि जो वादे ये मोदी सरकार ने की वो सब को उन्होंने धोखा दिया जनता को, और आज अपनी जिंदगी बचाना है और देश को बचाना है तो इस सरकार को हटाना है। रामलीला मैदान से जंतर मंतर की ओर जब किसानों का जत्था बढ़ना शुरू हुआ तो लगा कि एक बहुत मोटी लाल लकीर उतरती चली गई है कोल तार के धागे के ऊपर। इस लकीर में बुजुर्ग थे, नौजवान थे, मजदूर थे, प्रधान थे, बड़ी तादाद में औरतें, लेकिन सब के सब किसान थे। किसानों और मजदूरों के इस मोर्चे ने सरकार के होश उड़ा दिए। ये भारत सरकार को कहने आए हैं कि आपने किसानों और मजदूरों की जिंदगी बर्बाद कर दी है और हम इसको हरगिज कबूल नहीं करेंगे।
ये किसान कह रहे हैं कि आपने महंगाई रोकने पर मजाक किया है, आपने न्यूनतम भत्ते पर मजाक किया है, आपने कर्ज माफी पर मजाक किया है, और हम इस मजाक को नहीं मानते। एक दो चार मांगे लेके आई हैं, हमको और कुछ नहीं चाहिए। 2011 में मानदंड 33 रुपए बढ़ा, 33 रुपए, ओनली 33 रुपए। आज हम उसी 33 रुपए पे काम कर रहे हैं। सुबह 10 बजे 9 बजे जाते, 3 बजे स्कूल से वापिस आते। किसानों के प्रदर्शन की वजह से दिल्ली की सड़कों पर कई किलोमीटर तक किसान ही किसान नजर आ रहे थे। कई रास्तों पर ट्रैफिक रोकना पड़ा, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। किसानों का ऐलान है कि आप सोच लीजिए या बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहें। अब देखिए किसान क्या मांगते हैं। ये कहते हैं कि स्वामीनाथन कमेटी की पूरी सिफारिश लागू करो, गरीब किसानों का सारा कर्जा माफ करो, मजदूरों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए तय करो, नौजवानों के मुकम्मल रोजगार का बंदोबस्त करो। हमारी मांगे है कि किसान का पूरा कर्जा माफ करो, नौजवानों को रोजगार दो, हाउसिंग दो, स्वामीनाथन आयोग लागू करो, लाभकारी मूल्य दो। हिंदुस्तान के संसद के सामने हिंद के किसानों ने नारा दिया है, नीति बदलो नहीं तो हम सरकार बदल देंगे। और इसके लिए सरकार के पास समय बहुत कम है। देश भर के 201 किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि 28 नवंबर को पूरे देश के किसान दिल्ली कूच करेंगे और राजधानी को घेर लेंगे। और किसान तब तक नहीं हिलेंगे जब तक सरकार अपने जिद से नहीं हिल जाती। आज तक ब्यूरो। निसंदेह किसान इस देश की रीढ़ है, लेकिन इन किसानों पर लाल रंग किस राजनीतिक दल ने पोता? जब सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी कानून में बदलाव किया था तो इस पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों ने भारत बंद कर दिया था। सरकार 4 महीने तक इस पर दम साध कर बैठी रही, लेकिन दबाव बढ़ा तो उसे संसद से सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटना पड़ा। लेकिन बीजेपी के लिए दांव उल्टा पड़ गया। इस कानून के खिलाफ एकजुट होते सवर्ण और अब उसे आग दिखा रहे हैं। हालत यह है कि बीजेपी के सवर्ण एमपी तक बढ़ के हुए हैं। पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के ने जितना काम किया या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, उसके अलावे जितनी लड़ाइयां क्या कहते हैं कि जो लड़ी, वो सब क्या कहते हैं कि उसमें अधिकांश ऊंची जाति के लोग थे और वही महापुरुष बने। और इन लोगों को जो है किसी क्या कहते हैं कि बहकावे में नहीं आना चाहिए। जिंदगी भर एससी एसटी की राजनीति करने वाले रामविलास पासवान को आज ऊंची जाति के लोगों के लिए ऐसी अपील जारी क्यों करनी पड़ रही है? कहां क्या गड़बड़ी हो गई? इसे समझने के लिए आपको एक दिन पहले ग्वालियर चलना पड़ेगा। 2 महीने का समय हमने लिया है, जो हमारे लोगों के द्वारा मीटिंग फिक्स हो चुकी है वो करेंगे, शांतिप्रद तरीके से करेंगे। और उसके बाद अगर हमें हल मिल गया तो हम कुछ नहीं करेंगे, और अगर हल नहीं मिला तो वो करेंगे जो आज तक भारत के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं। इसे जातीय अहंकार कहिए, ताकतवर होने की अदा या इंसाफ की भूख, लेकिन एससी एसटी एक्ट को फिर से पुराने रूप में लागू करने के लिए संसद से सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटना बीजेपी के लिए आफत बन गया है। ग्वालियर में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर देने वाली रानी लक्ष्मीबाई की समाधि के सामने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बीजेपी सरकार के दांत खट्टे कर देने की कसम खा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उस एक्ट को हम सब स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हमें वही एक्ट चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हमें वो एक्ट नहीं चाहिए जो अभी गवर्नमेंट ने बनाया है। दूसरी बात, ये एक्ट जो है ये देश को बांटने का काम करेगी। ग्वालियर से सरकार को सवर्णों का अल्टीमेटम मिला है कि अगर एससी एसटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने वाले संसद के कानून को नहीं पलटा गया तो वो हुकूमत पलट देंगे, और सरकार को यकीन न हो तो 6 सितंबर को अगड़ों के भारत बंद को देख। भारत में पहली बार सवर्ण भारत बंद करने वाले हैं, लेकिन इसकी एक झांकी चुरहट में दिख गई जब शिवराज सिंह चौहान को काले झंडे दिखाए गए, उन पर जूते चप्पल उछाले गए, पत्थर फेंके गए, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। ये लोग ऊंची जाति के लोग थे कि दलितों के सम्मानजनक जीवन वाले कानून को जब सुप्रीम कोर्ट ने भंग कर दिया था तो बीजेपी ने दोबारा कानून क्यों बनाया? मुझे भाई किंचित नहीं है, मैं तो जनता के लिए जीने वाला हूँ, मर जाऊंगा तो फिर से जन्म लेके आऊंगा।
सवांड खुलेआम कह रहे हैं कि हमने आपको जमीन से उठाकर भारत की सत्ता तक पहुंचाया और आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। ऊंची जाति के लोगों को लगता है कि उनके साथ मोदी सरकार ने छल किया है। देखिए कि जब SC ST एक्ट नहीं बन रहा था तो दलित सांसद मोदी और अमित शाह के सामने अपील जारी कर रहे थे और आज BJP के ब्राह्मण और क्षत्रिय सांसद कह रहे हैं कि हम तो खुद ही इस एक्ट के खिलाफ हैं। नहीं मैडम, आप तो सीधे अपनी जिम्मेदारी से हट रही हैं। सर काटना गलत करना कहाँ की बात है? SC ST एक्ट बंद करो। सोचिए कि जिस कानून पर PM मोदी छाती ठोक कर दलितों आदिवासियों की सबसे बड़ी हिमायत का दावा कर रहे हैं, उसी कानून के खिलाफ उनके अपने सांसद सड़क पर उतरने को तैयार हैं। वही चलते हैं, वही चर्चा हो जाए। कांग्रेस को BJP की मुश्किल का पता चला तो उत्साह में आ गई। रणदीप सुरजेवाला ब्राह्मणों की सभा में पहुंच गए कि BJP ने आपको आदर नहीं दिया तो क्या, हमारे पास आइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वो राजनीतिक दल है दोस्तों, बुजुर्गो, इस देश के संचालक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वो राजनीतिक दल है जिसके खून में ब्राह्मण समाज का DNA है। महीने भर में ही सामाजिक न्याय का चक्का संपूर्ण तरीके से घूम गया है। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश में BJP ने 4.5 महीने तक सोचने विचारने के बाद जो नया कानून बनाया था उस पर भारतीय जनता पार्टी को अपनी पुरानी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है अभिनेता दिलीप कुमार साहब की। एक बार फिर से तबीयत बिगड़ गई है। सीने में इन्फेक्शन की शिकायत के बाद दिलीप कुमार को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी कुछ महीने पहले भी उनकी तबीयत नासाज थी और तब भी उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था और जब वो डिस्चार्ज हुए थे तो एकाएक उनके चाहने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। लेकिन इस वक्त खबर जो आ रही है वो ये है कि दिलीप साहब को सीने में इन्फेक्शन है और इसी के चलते उनको मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वक्त एक छोटा सा ब्रेक का, देखते रहिए आज तक। बड़ी खबर इस वक्त, दिलीप कुमार साहब की तबीयत खराब है और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, एकाएक उनकी सेहत बिगड़ी है। विद्या इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ है। विद्या, पूरी खबर बताएं। दरअसल थोड़ी देर पहले ही दिलीप कुमार की वाइफ जायरा बानू जो उनके ट्विटर हैंडल को देखती हैं, वो उस पे उन्होंने खबर डाली कि दिलीप कुमार साहब दरअसल उनको चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है और उन्हें तुरंत क्योंकि वो अनईजी फील कर रहे थे इसलिए उसकी वजह से उन्हें लीलावती अस्पताल जो बांद्रा में ही स्थित है वहां पे उनको ले जाया गया है। हालांकि डॉक्टर्स अभी उन्होंने अटेंड किया है और उसकी वजह से वो थोड़ा सा बेहतर हुए हैं, लेकिन उसी में उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि लोगों को आग्रह किया था कि वो उनके लिए प्रेयर्स रखें और प्रे करें ताकि उनकी सेहत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन उम्र के इस पड़ाव में है, ये कितना सीरियस है ये? आप देखिए, दिलीप कुमार जी की तबीयत अक्सर कुछ समय पहले भी खराब हुई थी लेकिन वो वापस रिकवर हो गए थे, घर भी काफी दिनों से रह रहे थे। अचानक इस तरह से खराब होने से जरूर लोगों की को ये लग रहा था कि कहीं कुछ ज्यादा परेशानी तो न हो, लेकिन क्योंकि सायरा बानो ने ये लिखा है कि वो ठीक हो रहे हैं, अब 95 की उम्र है उनकी और उसकी वजह से अगर दिक्कतें होती हैं उससे तो जाहिर सी बात है उनको रिकवर करने में भी थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन डॉक्टर्स अब अटेंड कर रहे हैं इसी वजह से सायरा बानू का कहना है कि वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाएंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। पिछले साल दिसंबर में भी निमोनिया की शिकायत पर उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, फिर वो डिस्चार्ज हो गए थे। 95 साल के दिलीप कुमार साहब के लिए हर तरफ दुआएं हो रही हैं। वक्त एक ब्रेक का। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।